राम राम दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। आज हम बना रहे हैं बिना साबूदाना भिगोए साबूदाने के कटलेट, और ये बहुत ही टेस्टी, क्रंची और सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी साबूदाना और उसे एक गीले कपड़े पे रख के हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अच्छे से मैंने इसको रगड़ के साफ कर लिया है। अब मैं इसको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लूँगी लगभग 2 मिनट के लिए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना कि इसकी नमी चली जाए, क्योंकि हमें इसे इसका पाउडर बनाना है, इसको पीसना है। ये देखिए, ये मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड मिक्सर जार में डाल, फाइन पाउडर नहीं बनेगा पाउडर, ये थोड़ा सा दरदरा सा ही रहेगा सूजी की तरह से। और अभी इस बाउल में मैंने ले लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और इनको मैश कर लिया है। इसमें हम ये जो पाउडर हमने बनाया है साबूदाने का, इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें जो हमने मसाला डालने हैं व्रत के लिए, जो हम यूज़ करते हैं, वो मसाले ऐड कर लेंगे। ये मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। और इसको फिर ये 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो साबूदाना है वो अच्छे से गल जाए। इसको मैंने कटलेट की शेप दे ली है, उधर से फ्राइंग पैन में मैंने तेल गरम करना रख दिया है। और आप इसकी शेप टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप। मैंने यहाँ पे कटलेट की शेप दी है और ये मेरे कटलेट्स रेडी हैं। ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन ये हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको हम इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत में सॉस नहीं खाते कई लोग, तो इसको हम इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। हरी चटनी और इमली की चटनी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप भी ट्राई कीजिए। साबूदाना भिगोना भूल जाएं तो 5 मिनट में इस तरह से रेडी कीजिए। ये देखिए, ये बहुत क्रंची बना है ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट बना है। आप भी साबूदाने का कटलेट बनाइए और व्रत में एंजॉय कीजिए। थैंक यू।